पंखाजूर में भाजपा ने किसानों की धान खरीदी और पैसा हड़पने के विरोध में एक दिन बाजार बंद रखा और तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों से बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने विरोध के तौर पर एक दिन के लिए बाजार बंद रखा और प्रदर्शन किया। भाजपा का कहना है कि सरकार किसानों से धान खरीदी नहीं कर रही है और जो भी खरीदा जा रहा है उसका पैसा कुछ लोग हड़प रहे हैं। सरकार ने जो धान खरीदी थी उसका अभी तक पैसा नहीं दिया है। गौरतलब है कि विक्रमदेव सिंह उसेंडी ने किसानों का पैसा नहीं देने पर एक दिन धरना देने की चेतावनी भी दी थी। इस दौरान राज्यपाल के नाम किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आदरणीय एचडी मैडम के पास 390 किसानों ने आवेदन दिया था कि धान खरीदने के बावजूद धान खरीदने का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिपालन में आदरणीय एचडी मैडम ने 14 अधिकारी को नायब तहसीलदार बांदे, खाद्य सहायक एवं सहकारिता निरीक्षक के दल गठन किया, जिसमें नियत तिथि तक जांच कर देखिए। हमारी जानकारी में तो 5 अक्टूबर को जब वहाँ दौरे में हम गए थे, वहाँ छुट्टी बैठ गया। उसके बाद जानकारी आने के बाद हमने 25 दिन का समय भी दिया था कि इस बीच में इनका भुगतान होना चाहिए, और एसडीएम से हो जाए, कलेक्टर एसडीओ भी सबसे बात हुई थी। लेकिन आज 31 अक्टूबर को पूरा एक दिवसीय धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को आपके धर्मपुर 92 नंबर उस क्षेत्र के किसानों का जो धान पिछले फरवरी 2019 में बेचे जाने के बाद भी अब तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है, इसके चलते ये आज ज्ञापन दिया गया है। और निश्चित रूप से उस समय टोकन जारी होने के बाद भी इनका धान नहीं खरीदा गया और कांग्रेस के दो एजेंटों के द्वारा खरीदा गया। कुल मिला के कांग्रेस की सरकार इनको बचा रही है, यहाँ के विधायक और सब उनको संरक्षण दे रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।